Hey, hello everyone, this is Reena and welcome or welcome back to my another vlog video. Hope so आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ. एंड yes, today is my vlog video. जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पे वो मस्ती कर रही हैं. मैं आई हुई हूँ सुबह होते 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 ही बैंक. क्यों आई हूँ आगे मैं बताती हूँ. यहाँ पे मुझे कुछ काम था सो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ आज. और आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल तो हर काम फ़ोन से हो जाता है तो बैंक जाने की क्या ज़रूरत है. तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि ऑनलाइन नहीं होता है, खुद बैंक जाना पड़ता है और करवाना पड़ता है. यस, सो इसलिए आई हूँ. और यहाँ पे पीहू मस्ती कर रही थी, मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर दूँ. सो यस, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ. देन इसके बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग के लिए. एंड आई नो आप लोग को मेरे 30 ब्लॉग का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार होगा, फोटोज़ एंड वीडियोज़ का. तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे शेयर करूँगी. बट हाँ, ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पर अपने रील्स का लुक एंड थोड़े बहुत रील्स शेयर किया, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो और अपना खूब सारा भर भर के प्यार दो गाइस. एंड यहाँ पे मेरा बैंक का काम हो चुका, अब मैं यहाँ से निकलूँगी और डायरेक्ट मैं जाऊँगी मार्केट. ये वाले ले लो, ये वाले अच्छे लगे. क्या लोगे? आपको नहीं पता ये क्या है? नहीं रखो, क्यों नहीं? और मुझे पता तो नहीं था, बट जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा काफी सारे ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं. बट मेरे को उससे कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि जब भी ऑफर चल रहा होता ना, एक्चुअली उस टाइम मुझे कुछ चाहिए ही नहीं होता है. और जब ऑफ़र ख़त्म हो जाता है तब मुझे बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है. और ऑफ़र में चीज़ें रहते हुए मैं नहीं लेती हूँ, और फिर मैं बाद में मुझे इतनी भयंकर वाली नीड होती है ना कि मुझे चाहिए ही चाहिए होता है, और फिर मैं लेती हूँ महंगे रेट पे. पता ही नहीं मेरे साथ क्या होता है. ऑनलाइन भी सेम प्रॉब्लम मेरे साथ है. ये क्या है? मेकअप. ये चाहिए क्या आपको? पर किस लिए? ऐसे ही. नहीं नहीं, पर मैं अपना मेकअप करूँगी. प्लीज प्लीज मैं अपना मेकअप करूंगी. दिखाओ क्या क्या है इसमें. पहले आपको नाम बताना पड़ेगा कौन कौन सा. ये क्या होगा? शायद से क्या होता है ये, आपको जब पता ही नहीं है तो क्या मेकअप करूंगी. नहीं, मैं खरीदो प्लीज. ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ फेस्टिवल वगैरह आते रहते हैं, उन पे ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं. बट उस टाइम मुझे रियली मीन्स बिल्कुल मुझे किसी चीज़ की नीड होती ही नहीं है. उसके बाद जैसे ही ऑफर ख़त्म होता है, अरे यार ये तो ले लेना चाहिए था. और इतनी भयंकर नीड होती है कि मुझे उसी टाइम लेना ही लेना होता है. ये आपके साथ भी होता है क्या? कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना. और ऐसा होता तो आप क्या करते हो भी अगर मुझे बता दो, क्योंकि अभी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि मेरे बहुत ही पैसों का नुकसान होता है. सो यस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड इसी तरह यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ओकेजन है बहुत बड़ा या फेस्टिवल है इसलिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ. नहीं, बस मैं ऐसे ही आ गई. मूड कर रहा था, मन कर रहा था कि जाऊँ और थोड़ा शॉपिंग करके आऊँ. सो इसलिए मैं आ गई हूँ. और लास्ट में आपको पता चलेगा मैंने क्या क्या ख़रीदा है. तो यहाँ पीहू अपना देख रही थी, मैं अपना देख रही थी, और सब अपने अपने आप में बिजी थे. और मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग भी शूट कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि अभी इनके क्या प्राइजेस चल रहे हैं मॉल में. तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही सब कुछ नॉर्मली प्राइस था, कुछ वैसा था नहीं कि मैं आपको दिखाऊं. तो जो होगा वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. अदरवाइज आप पूछ सकते हो, कुछ वैसा आपको दिख रहा होगा कि इसका क्या प्राइस है. मुझे याद होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. यहाँ पीहू को हर चीज़ ही चाहिए होता है, हर चीज़. मतलब वो जो जहाँ देख लेना वो हर चीज़ उनको चाहिए ही चाहिए होता है. लाइक वो कहीं अगर ताजमहल भी जाएँ तो कहे कि मम्मा मुझे तो ताजमहल ही चाहिए, जो कि मेरे तो बस में नहीं है. मैं तो नहीं दिलाती हूँ कुछ, ये बहुत कम ही चीज़ें होती हैं जो मैं दिलाती हूँ. अदरवाइज़ अपने डैडी से खरीदवाती रहती हैं कि ये वो ये दे. घर में इतना सामान भर गया है ना. आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? कमेंट करके एक बार ज़रूर बताओ मुझे. मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ. जो पुराने खिलौने हैं ना, वो उनको जानबूझ के तोड़ के और फेंका जाता है ताकि नए आए. क्या आपके बच्चे ऐसे करते हैं? मैंने बहुत लोगों को देखा वो ऐसे नहीं करते, बट भी वो ऐसा करती हैं कि हाँ आप पहने तो अच्छा लगा. अपने सब कुछ अच्छा लगता है. ये ड्रेस भी, इसकी स्कल तो मैंने उठा दी. नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो. वंस मोर, हाँ. तो यही सब मस्ती चलती रहती है. एंड हाँ, मोस्टली एक और बात बताऊँ तो हमेशा पीहू के जो ड्रेसेज होते हैं वो खुद ही सेलेक्ट करती हैं. ऐसा कई लोग को मैं बोलती हूँ तो लोग यकीन नहीं करते हैं. क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. बट हाँ, ऐसा सच है, होता है. एंड जब भी पीहू को कोई ड्रेस पसंद आता है तो कहती है मम्मा ये, मम्मा वो. एंड उनमें से फिर जो मुझे पसंद आता है उसको मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है ले ले. तो पीहू भी खुश हो जाती है, मैं भी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मोस्टली इनकी जो चॉइस है ना ड्रेस के मामले में बहुत सही है और मुझे अच्छा लगता है. फिर ले लेते, जो बुरा लगता है फिर वो मैं नहीं लेती हूँ. देख सकते हो आप लोग, खुद ऐसे डाल डाल के अपने ऊपर दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है.
तो जो अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। और ऐसे मुझे ज़्यादा कपड़े ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पीहू के जो ड्रेसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, ज़्यादातर ये ऑफलाइन ही लेती हैं मॉल वगैरह में जा कर के अपने खुद के पसंद से। और जब भी मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ साइज़ वगैरह का थोड़ा बहुत इशू होता है, बहुत टाइम मैंने मंगाया जिसमें होता है ऐसा प्रॉब्लम, तो मैं नहीं अब मंगाती हूँ, अब मैं खुद ही जाके देख करके लेती हूँ। एंड मिरर देखा और वहाँ पर मैंने फ़ोटो नहीं क्लिक किया, वीडियो नहीं बनाया, तो फिर क्या फ़ोटो, क्या मैंने मिरर देखा। तो मिरर देखने के बाद तो भाई ये वीडियो फ़ोटो होने ही चाहिए। देन उसके बाद मैं भी अपने लिए कुछ शॉपिंग, मैंने कहा भैया सब लोग शॉपिंग कर रहे एकदम पूरा दबा के, तो मैं क्यों पीछे हटूँ। फिर मैंने भी अपने लिए कुछ पैंट वेंट देख रही थी कुछ देखूँ, एंड मैंने लिया भी है इसमें से एक जीन्स, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हो सकता है तो। देन टॉप वगैरह भी मैं देख रही थी कि चलो एक टॉप वगैरह भी देख लिया जाए, कौन सा लिया है क्या लिया वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी आई थिंक, सो कोशिश करूँगी कि मैं शेयर कर दूँ वीडियो में, अगर भूल जाती हूँ तो वो मैं बता नहीं सकती। एंड अभी तीज भी है तो तीज की भी अभी शॉपिंग करनी है मुझे, फिलहाल ये तीज की शॉपिंग तो बिल्कुल ही नहीं है, बट हाँ मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की जो मुझे तीज में भेजना था। बट मैं मेरे लिए, मैं अपनी अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ लाइक ऑनलाइन शॉपिंग करना, क्योंकि मुझे ऑनलाइन ज़्यादा पसंद आते हैं ऑफलाइन के कंपेयर करूँ तो। कई चीज़ें मुझे ऑनलाइन लाइक मेरा कलर भी मिल रहा होता है, जो चीज़ मुझे चाहिए होता है वो मिल जाता है, बट वो ऑफलाइन मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है और घूमना पड़ता है बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अभी गर्मी का टाइम है तो गर्मी में तो और बैंड बज जाती है, तो बैंड बज जाती है। यस सही बोला मैंने। यहाँ पे मैंने एक पैंट लिया जैसे कि भी आप लोग देख रहे होंगे, और हम लोग एक साथ में ना ऐसे लाइन मार्केट में क्या होता है एक साथ तीन चार मॉल साथ साथ में ही होते हैं, जैसे विशाल V2 अनपत पता नहीं कौन कौन से ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे लाइन से इस, तो मैं क्या करती हूँ एक में स्टार्टिंग से जाती हूँ और सब में ऐसे घूमते हुए जाती हूँ। और ये वाला जो मॉल है इसका ये सीढ़ियों के पास से, मैं हमेशा वहीं से आती हूँ, कभी मैं लिफ्ट से नहीं आती क्योंकि मुझे वहाँ से वो जो जगह है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। देन फिर यहाँ पर मैंने मिरर देखा है, यहाँ पर मैं चिपक गई देख सकते हो आप लोग, यहाँ बिलिंग हो रहा अभी एक्चुअली। तो यहाँ पे आप, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को भी शेयर किया था कि लाइन से दो तीन मॉल होते हैं, तो यहाँ पे मैं सेकंड में आ गई हूँ वापस से। एक्चुअली इसलिए घूम रही हूँ ना ताकि मुझे क्या पता कुछ नया सा आया हो और कुछ दिख जाए मुझे पसंद आ जाए तो वो चीज़ें मैं ले लूँ। मुझे बहुत कम चीज़ें जो होती हैं पसंद आती है, बहुत घूमती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा, तब जाके मुझे कोई जाके चीज़ें पसंद आती हैं। यहाँ पे पीहू को देख सकते हो, आते ही टॉय वाले सेक्शन में स्टार्ट हो चुकी हैं, इनके साथ साथ और भी बच्चे थे। जब टॉय वाले सेक्शन आते हैं उन्हें बच्चों की आंखें देखा करो, आंखें ऐसे गोल गोल घूमते हैं कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्या शरारत करना होता है ना, उनको सब पता होता है। तो और देखो मेरा क्या है, मैं किचन वाले सेक्शन में आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं इस साइड एक्चुअली आती नहीं हूँ, बट मुझे नाइफ का जो सेट होता है वो चाहिए था, बस इसलिए मैं आई हूँ, वरना मैं इधर साइड में आती ही नहीं हूँ, कभी नहीं आती हूँ सच बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग मोस्टली मैं कैंटीन से ही चीज़ें लेती हूँ, यहाँ मॉल वगैरह की चीज़ें मुझे उतनी पसंद नहीं आती हैं और उतनी मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट एक बार फिर भी मैंने देखा कि था यहाँ के भी रेट वगैरह देख ले, कैंटीन से तो लेते ही रहते हैं बट सिविल के भी रेट देख लेना चाहिए क्या कितने का पड़ रहा है ना, तो बस वही सब मैं चेक कर रही हूँ और कुछ नहीं, कुछ ले तो नहीं रही थी मैं, नॉर्मल सी बात है, बस देख रही थी क्या क्या सारा सामान है, किन के क्या प्राइजेस हैं, हर चीज़ का पता होना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हमें कैंटीन वाले तो नहीं लूटे रहे, अभी कोई देख लेगा वीडियो ना वायरल हो जाए मेरा। हाँ तो सॉरी मैंने वो थोड़ा सा बोल दिया, उसको इग्नोर करिएगा आप। एंड यहाँ पे फिर मैं चीज़ें देख रही हूँ, और एक कोई था उनसे मैं पूछ भी रही थी इनके बारे में कि ये टूटेगा तो नहीं, क्योंकि मेरे पास जो था वो टूट गया था। एंड जो हमने यहाँ पे लिया इस वाले मॉल से, अभी यहाँ की बिलिंग कर रहे हैं हम लोग, देख सकते कितना ज़्यादा भीड़ है। देन उसके बाद हम लोग निकल गए घर, देख सकते होंगे कि बाइक चल रही है बहुत तेज स्पीड में और आगे भी एक स्कूटी आ रही है और हमने रोके, फिर हम साइड मुड़े, फिर एक कार आई, हम तो उसको साइड कर लिया क्योंकि हमारा है काम आगे, दो लड़के और फिर से एक बाइक आई। एंड हर नेक्स्ट मॉर्निंग का ही मैंने थोड़ा सा ऐड किया क्लिप आप लोगों के साथ कि अभी पीहू के जो डैडी हैं वो घर जा रहे हैं, घर घर गांव बिहार जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रॉपर जो घर है वो बिहार में ही है और वहां पे थोड़ा घूमना देखना रेखना होता है, डैट्स इट। एंड बबली जी के लिए तीज लेकर जा रहे हैं अपनी बहन के लिए, हमारे घर की जो लड़कियाँ होती हैं ना जो बिहार में मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं घर की उनको उनके लिए उनके मायके वाले तीज भेजते हैं जब वो ससुराल में होती है, और जब वो मायके में होती है तो ससुराल की तरफ से तीज आता है,
मतलब सुहाग का सामान और कपड़ा वगैरह सारा कुछ, तो बस वही लेकर के और घर जा रहे थे। तो ये तीज का तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा लेट में ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे बाइक है, बाइक को देख रहे हैं कि हाँ बोला ध्यान वान रखना, चलो ठीक है रख लूँगी भैया। और पीहू का रोना स्टार्ट, पीहू और हाँ थोड़ा बहुत संस्कार भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब मिल लिए, मिल विल के अब फिर जाएंगे और अब चले जाएंगे। और आई थिंक मुझे लग रहा है एक सप्ताह के लिए जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे, एक सप्ताह नहीं आई थिंक 4 डेज के लिए गए थे और वापस आ गए। एंड यस, यही आज का ब्लॉग, होप्स आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अपना नेक्स्ट ब्लॉग क्या देखना चाहते हैं, और कुछ सजेशन है वीडियो को लाइक तो वो भी जरूर शेयर करिएगा। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस। आओ चलो 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 नीचे देखो कैसे चल पाओगे। चल 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 चल, गोदी में आओ, 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 गोदी आ जाओ मेरे बच्चे। मम्मा बहुत प्यार करती है ना आपको, मम्मा प्यार करती है ना, प्यार नहीं करती मम्मा, नहीं प्यार करती तो कौन प्यार करता है, कौन प्यार करता है, नानी से बात कराऊं।